हेलो दोस्तों, आरबी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के करंट अफेयर प्रश्न नंबर एक, अयोध्या विवाद में मध्यस्थता कराने वाले 3 सदस्यीय पैनल का अध्यक्ष निम्न में से कौन है? इसका सही ऑप्शन है स इब्राहिम कलीफुल्ला को अयोध्या विवाद में मध्यस्थता करने वाले 3 सदस्यीय पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर दो, 9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्था का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही ऑप्शन द ग्रेटर नोएडा में। प्रश्न नंबर तीन, हाल ही में किस परिसंघ को राष्ट्रीय खेल परिसंघ की मान्यता दी है? इसका सही ऑप्शन ए अखिल भारतीय कैरम परिसंघ को राष्ट्रीय खेल परिसंघ की मान्यता दी गई है। प्रश्न नंबर चार, हाल ही में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का शिलान्यास किस राज्य में किया है? तो इसका सही ऑप्शन स राजस्थान में। प्रश्न नंबर पाँच, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निर्देशक किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ब सही आंसर, अजीत कुमार मोहंती। प्रश्न नंबर छः, वैश्विक आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसका प्रकाशन है? ऑप्शन स सही उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्रश्न नंबर सात, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में पहला स्थान किस देश का है? सही ऑप्शन द चीन का। प्रश्न नंबर आठ, इसरो ने 24 जनवरी 2019 को विश्व का सबसे कम भार वाला कौन सा सैटेलाइट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? सही आंसर ऑप्शन ए माइक्रोसेट आर। प्रश्न नंबर नौ, भारत का प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में कहां पर आयोजित किया? सही ऑप्शन ब राइट आंसर, वाराणसी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 10, चंद्रयान मिशन भारत द्वारा कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान मिशन भारत द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया। सही ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 11, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर ऑप्शन ब नोवाक जोकोविक ने। प्रश्न नंबर 12, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? सही आंसर ऑप्शन स बैडमिंटन से। प्रश्न नंबर 13, 2018 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन ए विराट कोहली को। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ब सुधीर भार्गव को। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, उनका संबंध किस राज्य से है? तो सही आंसर ऑप्शन स जम्मू कश्मीर राज्य से। नजीर अहमद वानी अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले कश्मीरी हैं। अशोक चक्र की शुरुआत स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में हुई थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।